हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका विकास समाज में ही होता है और समाज के बिना उसका विकास होना असंभव है। जब मनुष्य के विकास में कोई बाधा पहुंचती है या उसकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो आंदोलन करते हैं। बच्चों, आज का हमारा पाठ है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। आप लोग समाचार पत्र तो पढ़ते ही होंगे या न्यूज वगैरह देखते होंगे, तो आए दिन उसमें कोई न कोई घटना, कोई न कोई समाचार छपता होगा तो आप लोग उसे पढ़ते होंगे। बाल विवाह विरोधी आंदोलन को बहुत बड़ी सफलता मिली है। अब बाल विवाहों में 50% कमी आई है। इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी सजगता से काम किया है। दूसरा है दहेज विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने भी उनकी सहायता की है। अब इसी क्षेत्र में कुपोषण विरोधी अभियान शुरू करना आवश्यक है क्योंकि निर्धनता और कुपोषण ये अधिक ध्यान देने योग्य समस्याएं हैं। देखो बच्चों, यहाँ चित्र भी दिया गया है, बाल विवाह का चित्र दिया गया है। दहेज के लिए बहुत सारी लड़कियां की जान चली जाती है, उसके नीचे कुपोषण का दिया गया है। गरीबी और कुपोषण ये हमारे देश की समस्याएं हैं और इसके विरोध में आंदोलन किए जा रहे हैं। जो ऊपर हमने घटनाएं देखी उसमें समाचार पत्र के इस समाचार में आंदोलन का उल्लेख हुआ, उसमें देखा होगा तुमने अलग अलग आंदोलन का उल्लेख हुआ, जैसे उसमें बाल विवाह विरोधी आंदोलन, दहेज विरोधी आंदोलन, कुपोषण विरोधी आंदोलन। देखा जाए तो ये अलग अलग विषय है, लेकिन जो इसमें आंदोलन शब्द का उल्लेख हुआ है वो सभी का एक ही विषय है। क्या आप इसका आंदोलन का अर्थ बता सकते हो क्या? इस समाचार में प्रत्येक विषय स्वतंत्र दिखाई देता है, मैंने बताया कि अलग अलग दिखाई देता है। सभी में आंदोलन एक ही विषय से संबंधित है। जो आंदोलन शब्द है एक ही विषय, उसमें पता चलता है कि सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आंदोलनों के परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने से वे प्रभावी एवं सफल होंगे? उसमें तुमने देखा होगा कि पहले था बाल विवाह विरोधी आंदोलन और उसको 50% कमी आई। उसमें सभी लोग अगर आंदोलन करने लगे तो 50% जो ये समस्या थी उसमें कमी आई, और उसके बाद दहेज विरोधी आंदोलन में भी इसको सहायता की, इससे और कमी आई। और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि कुपोषण भी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और गरीबी भी, इसके लिए भी हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसके लिए भी लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। यानी कहने का मतलब है अगर कोई आंदोलन होता है, अगर उसमें और कोई लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो आंदोलन और ज्यादा प्रभावी होता है। पिछले पार्ट में हमने राष्ट्रीय और प्रांतीय राजनीतिक दलों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। देखो बच्चों, ये हमारा भारत देश है और भारत देश का जो पूरे देश का शासन है, जो दल होता है पूरे भारत देश को, उसको हम राष्ट्रीय दल कहते हैं, जैसे पूरे भारत देश का दल। और जो अलग अलग राज्य, जैसे यहाँ गुजरात दिखाया है, महाराष्ट्र दिखाया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, जो अलग अलग राज्य दिखाए गए, इसका एक राज्य का जो दल है उसे हम प्रांतीय दल कहते हैं। बच्चों, आप लोग को तो मालूम है कोई भी राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए स्पर्धा करते हैं या प्रतिद्वंदिता में रहते हैं, और चुनाव में जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें वोट ज्यादा मात्रा में वोट पाते हैं, बहुमत प्राप्त करते हैं, और बहुमत प्राप्त करने के बाद वो सत्ता में आते हैं, और सत्ता में आने के बाद वो लोगों की समस्याओं को, लोगों की भलाई के लिए कानून बनाते हैं, उनकी समस्याएं हल करने का कोशिश करते हैं। राजनीतिक दलों की जो भूमिका होती है सर्व समावेशक होती है, यानी सभी लोगों को लेती है, जितने भी लोगों की समस्या है उसको अपने में शामिल करती है। वे किसी भी एक समस्या पे ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते क्योंकि उनको सबको समस्या सुलझानी होती है। सार्वजनिक स्वच्छता से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक के जितने भी विषय हैं, सभी पर राष्ट्रीय भूमिका को ध्यान में रखकर उनको निर्णय लेना पड़ता है। यानी देश की जितनी भी समस्याएं, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या को उनका ध्यान रखना उनको पड़ता है, उसके संबंधित उनको निर्णय लेना होता है। समाज के सभी वर्गों की समस्याओं के लिए राजनीतिक दलों के पास अलग यानी विशिष्ट कार्यक्रम होना आवश्यक है कि इससे समस्या तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए कौन कौन सा कार्यक्रम किया जाए। किसान, श्रमिक, उद्यमी, महिला, युवा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक आदि सभी का विचार करके राजनीतिक दल अपनी नीतियां यानी नियम बनाते हैं।
निर्धारित करते हैं, यानी ये सभी की समस्याएं हमको सुलझानी रहती है। देखो बच्चे, यहाँ पे दिखाया गया है सार्वजनिक स्वच्छता, ये एक छोटी समस्या है, जब देखा जाए तो बड़ी भी समस्या है, लेकिन ये समस्या को भी सुलझाना है, और नीचे जो अंतरिक्ष अनुसंधान करना है ये भी समस्या है उनके सामने, कैसे किया जाए, कैसे जैसे हमको अपने देश को सबसे अच्छा बनाना है, सबसे आगे लेके जाना है, तो इसके लिए उनको सभी समस्याओं को सुलझाना होता है, यानी छोटे से लेकर बड़ी समस्याओं का उनको ध्यान रखना। आंदोलन क्यों? समाज के सभी लोगों को राजनीतिक दलों में सम्मिलित होकर सार्वजनिक हितों के लिए कुछ करना संभव नहीं हो पाता। कुछ लोग किसी प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करके उसे हल करने का प्रयत्न करते हैं। उस समस्या को हल करने के लिए लोगों को संगठित कर सरकार की एकाध कृति करने के लिए दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों, मैंने बताया कि जब लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। राजनीतिक दल जब जीत जाते हैं तो सभी की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सभी समस्या एक साथ सुलझा नहीं सकते हैं। इसके लिए एक कोई प्रश्न में, जैसे कोई एक बेरोजगारी समस्या आ गई, कुछ लोगों की एक समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसको हल करने के लिए प्रयत्न करते हैं। कौन करता है? राजनीतिक दल। उस समस्या को हल करने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा आना होता है और सरकार पे दबाव डालना होता है ताकि ये उनकी मांग पूरी की जाए और उनकी समस्या को सुलझाया जाए। निरंतर कृतिशील रहकर उस समस्या के बारे में जनमत तैयार करके राजनीतिक दल और सरकार पे दबाव डालने का काम किया जाता है। आंदोलन में क्या किया जाता है? लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और आंदोलन करते हैं, और जो सभी लोगों का जनमत लेकर राजनीतिक दल पर दबाव डालते हैं ताकि उनकी मांग और उनकी समस्याओं को हल किया जाए, उनकी मांग पूरी किया जाए। इन सामूहिक कृतियों को आंदोलन कहा जाता है। सामूहिक कृति आंदोलन का प्रमुख केंद्र होता है। एक जन से आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन के लिए सभी का समूह होना जरूरी है। सभी एकत्र होकर अपनी मांगों को मनवाए। देखो यहाँ चित्र दिया गया है आंदोलन का। आंदोलन यहाँ पे लिखा है हमारी मांग पूरी करो, सभी लोग एक साथ मिलकर नारे लगा रहे हैं, इसे आंदोलन कहा जाता है। लोकतंत्र में आंदोलनों का बड़ा महत्व होता है। आंदोलन के माध्यम से कई सार्वजनिक समस्याएं जो है चर्चा में आते हैं। सभी का ध्यान जो है आकृष्ट होता है कि आंदोलन करें, इनकी मांग को पहले सुलझाया जाए। सरकार को भी इन प्रश्नों पर गंभीरता से सोचना पड़ता है। आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ता द्वारा सरकार को उस समस्या से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। जो आंदोलन के नेता और कार्यकर्ता है वो सरकार को बताती है कि ये हमारी समस्या है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, पूरी जानकारी जो है सरकार को देती है। अपनी नीतियां निर्धारित करते समय सरकार को इस जानकारी का उपयोग होता है। कोई समस्या है उस पर अगर नीति या नियम बनाना है, कैसे कैसे सुलझाना है, तो उसके लिए जानकारी की जरूरत होती है, तो उस जानकारी का यहाँ पर उपयोग होता है कि क्या मांग है, कैसे पूरा किया जाए और उसके लिए क्या क्या नीति निर्धारण किया जाए। कभी कभी सरकार के कुछ निर्णयों या नीतियों का विरोध करने के लिए भी आंदोलन होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मांग करते हैं तो मांगों को सरकार पूरा नहीं कर सकती क्योंकि वो मांग सही नहीं होता है। इसको निषेध या विरोध का अधिकार भी कहा जाता है। लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण अधिकार है, परंतु उसका बहुत ही संयम और दायित्व के साथ उसका उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण, देखो बच्चों यहाँ पे समस्या दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, जो कि हमारे पूरे विश्व का एक बहुत ही बड़ी समस्या माना जाता है। देखो बच्चों यहाँ वायु प्रदूषण दिया गया है, यहाँ पे जल प्रदूषण, ये भू प्रदूषण है, और ये जो है ध्वनि प्रदूषण है। आंदोलन का अर्थ क्या है? आंदोलन किसे कहते हैं, उसका मूल अर्थ क्या है? यहाँ पे तीन चार मुद्दों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। पहला है, आंदोलन एक सामूहिक कृति है। आंदोलन जो है एक जन से नहीं होता है, बोल के सभी लोगों को मिलकर समूह में यह कार्य किया जाता है और उसमें कई लोगों का सक्रिय सहभाग अपेक्षित होता है, यानी सभी को एक साथ आना जरूरी होता है। दूसरा, आंदोलन किसी विशेष समस्या पर लोगों द्वारा निर्मित संगठन होता है, जैसे प्रदूषण, इस एक समस्या को लेकर आंदोलन खड़ा हो सकता है। आंदोलन जैसे एक समस्या जो है प्रदूषण समस्या लेकर हम आंदोलन कर सकते हैं और इसके लिए समस्या होनी चाहिए। तीसरा, प्रत्येक आंदोलन का कोई
निश्चित सार्वजनिक उद्देश्य अथवा समस्या होती है, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार को नष्ट करना होता है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है, एक भ्रष्ट अधिकारी नीचे से रिश्वत लेते हुए दिखाया गया है। चौथा है, आंदोलन का नेतृत्व होता है, नेतृत्व के कारण आंदोलन क्रियाशील रहता है, आंदोलन का उद्देश्य कार्यक्रम तथा आंदोलन आत्मक नीति के संदर्भ में निर्णय लिए जाते हैं। यदि आंदोलन का नेतृत्व दृढ़ हो तो आंदोलन परिणाम कारक होता है। कहने का मतलब क्या है, आंदोलन में किसी एक नेता का होना जो बहुत जरूरी है, और अच्छा नेता होने के कारण आंदोलन जो है क्रियाशील होता है, आगे बढ़ता है। आंदोलन का उद्देश्य कार्यक्रम और नीति के संदर्भ में निर्णय लिए जाते हैं। आंदोलन अगर मजबूत होता है तो आंदोलन का परिणाम हमको जल्द ही दिखाई देता है। उसके बाद है, आंदोलन में कई संगठन होते हैं, संगठन के बिना आंदोलन समस्याओं को निरंतर आगे नहीं बढ़ा सकता है, अगर समस्या होगा तो ही आंदोलन बढ़ेगा। जैसे किसान आंदोलन के लिए बहुत सारे किसान संगठन काम करते हैं, जैसे अखिल भारतीय संगठन है ना, किसान लोगों का संगठन है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है किसान आंदोलन का, इसमें बहुत सारे संगठन जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे लोगों का समावेश होता है। किसी भी आंदोलन को जनता का समर्थन मिलना आवश्यक होता है, यानी जनता का साथ मिलेगा तो ही आंदोलन आगे बढ़ेगा। जिस समस्या को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था वह समस्या जनता को अपनी समस्या महसूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तो आंदोलन उसका जाने तो उसको करने दो, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंदोलन की समस्या सबकी समस्या होनी चाहिए। उसके पश्चात कोई कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ता है, तत्पश्चात उसके अनुसार जनमत बनाने के लिए प्रयत्न भी किए जाते हैं। देखो बच्चों, ऊपर कुछ संवाद दिया गया है और उसका तुमको पैराग्राफ लिखना है। यदि विश्व में मानव अधिकार का रक्षा का आंदोलन सफल हुआ तो किसी अन्य आंदोलन की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसमें इस बच्ची का मत है कि विश्व में अगर सभी को मानव अधिकार रक्षा का आंदोलन किए और आंदोलन सफल हुआ, तो अगर मानव को सभी अधिकार मिल गया तो कोई दूसरा आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी। फिर दूसरे बच्चे का मत है, यदि विकसनशील जैसे हमारा भारत देश है, ऐसे देशों में तो बहुत सारी समस्याएं हैं अलग अलग, और वहाँ की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति भी अलग अलग है, इसके कारण वहाँ पर अन्य प्रकार का आंदोलन भी शुरू हो सकता है। इस बच्ची का मत है, यह भी सत्य है, नहीं तो हमें बेटी बचाओ कहना ही नहीं पड़ता। हमारे देश की जो समस्या है, बेटी को निम्न दर्जे का माना जाता है और लोग नहीं चाहते कि हमारे घरों में बेटियां हो, इसलिए यहाँ पे बेटी बचाओ नहीं करना पड़ता। अगर सबको मानव अधिकार मिल जाता तो इसकी जरूरत नहीं होती। अंग्रेजों के शासन में आंदोलनों को दबाया जाता था, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलनों का होना निष्पक्ष और स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है। पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो लोग एक साथ एकत्र होकर बातचीत भी नहीं कर सकते थे, आंदोलन तो दूर की बात थी। तो उसको आंदोलन, अगर कोई आंदोलन करता भी था तो अंग्रेज सरकार उसको मारपीट के उसको दबा देती थी। लेकिन आज हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था है, और लोकतंत्र व्यवस्था में निष्पक्ष और स्वस्थ रूप से हम कोई भी अपनी बातें बोल सकते हैं, हमें यह अधिकार है कि हम अपना विचार रख सकते हैं। आंदोलन का अनुभव हम अभी ले सकते हैं, क्या हम अपने विद्यालय परिसर को लड़कियों के लिए निर्भय बनने के लिए आंदोलन शुरू करेंगे? क्या आप जानते हैं सार्वजनिक समस्याएं केवल सामाजिक क्षेत्र से ही संबंधित होती है, ऐसा नहीं है, वे समाज के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न हो सकती है। समाज में सुधार लाने के लिए अपने देश में और विशेषतः महाराष्ट्र में बहुत सारे आंदोलन हुए, उन्हीं आंदोलनों का स्वरूप समाज को आधुनिक होने की शुरुआत हुई। बच्चों, महाराष्ट्र में बहुत सारे आंदोलन हुए, इसके कारण महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का समाज जो है आधुनिक होने की वहां से शुरुआत हुई। हमारा स्वतंत्रता युद्ध भी एक सामाजिक आंदोलन ही था। देखो बच्चों, आज नहीं, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ तो उसके पहले भी आंदोलन किया गया था जिससे हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आज हम मुक्त रूप है, कहीं पे भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं, और इसी सामाजिक आंदोलन के कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। राजनीतिक और आर्थिक आंदोलनों द्वारा नागरिकों के अधिकारों का संवर्धन, मताधिकार, न्यूनतम वेतन, वित्तीय सुरक्षा आदि समस्याओं पे प्रकाश डाला जाता है। स्वदेशी भी एक महत्वपूर्ण वित्तीय आंदोलन है, बच्चों इस समय हमारे देश में भी चल रहा है। देखो बच्चों, यहाँ मतदान का अधिकार दिया गया है, पहले स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में सभी लोगों ने आंदोलन किया और महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जो यहाँ पे दिया गया है, न्यूनतम वेतन यानी जिसको कम वेतन मिलता है सभी को बराबर वेतन मिले,
इसके लिए भी आंदोलन किया गया है, वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो। उसके अलावा स्वदेशी आंदोलन, देखो अब हमारे यहाँ पे भी हो रहा है कि विदेशी माल का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए बल्कि स्वदेशी माल का उपयोग करना चाहिए, इसके लिए भी आंदोलन कर सकते हैं। इस पाठ का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।